हमारे प्रोग्राम में सलीम भाई जो बातें हो रही है ना वो खिलाड़ियों तक भी पहुंच रही हैं। रोहित शर्मा को हमें नहीं बताने की जरूरत पड़नी चाहिए कि रिवर्स स्विंग किस तरह होता है और कितनी धूम में होता है, किस पिच पे होता है, जहाँ से शुरू हुआ है जी, जहाँ से शुरू हुआ। जो सिखाने वाले ना उनको नहीं ये चीज सिखाया करते, उनसे कहोगे जी इस तरह की बातें अच्छी नहीं है। अब वो एक इतना छोटा बच्चा है रोहित शर्मा, वो ये बात अगर कर रहा है तो सोच समझ के या तो बोलना था। ड्राई पिच के ऊपर रिवर्स स्विंग ज्यादा बेहतर होती है, इसमें कोई शुबा नहीं है। रहे और सबकी हो रही थी, सिर्फ हमारी थोड़ी हो रही थी। नहीं, इनकी बॉल ज्यादा हुई थी भाई। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, उस जगह पे अगर देखें तो वो बॉल थोड़ा सा ज्यादा स्विंग जरूर हुआ था। इंजमाम भाई, इंजी भाई रोहित के जवाब के ऊपर ये कहते हैं कि यार हमें मत सिखाओ, मतलब हम वो हैं जिन्होंने रिवर्स स्विंग इजाद की है, तो तुम जिसे कहते हैं उस्ताद को तो ये मत बताओ ना कि कर रहे हो स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट, इसका उस्ताद को नहीं पता। मतलब यार इन शॉर्ट बाप को पेलना मत सिखाओ। इंजमाम ने बोला कि मुझे दिमाग खोलने की जरूरत नहीं है, यानी पाकिस्तान जो क्रिकेटर्स है साबिक उन्होंने रिवर्स स्विंग इजाद किया तो हमें मत सिखाइए कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है, हमें पता है कैसे होती है। आंखें भी खुली रखे और दिमाग भी खुला रखे, उन तो सिर्फ दिमाग का कहना, मैं अंपायर से कह रहा हूँ कि अंपायर अपनी आंखें भी खुली रखे और दिमाग उनका खुद ब खुद खुल जाएगा जिससे उनकी आंखें खुलेगी। भाई वैसलीन लगा के आ जाते थे, पता ही नहीं चलता था वैसलीन कहाँ पर है, हाथ के अंदर उन्होंने स्टीम के अंदर लगाई हुई है। अब ऐसे ऐसे उसने ये करते करते ऐसे निकाली थोड़ी सी बॉल पे लगाई, बॉल को आपने शाइन कर लिया जो अपने हिसाब से आप करना चाह रहे थे, तो बहुत सारे टोटके मौजूद हैं। एडजस्ट कर लेते होंगे जी, तो जाहिर है रोहित शर्मा तो अपनी टीम को डिफेंड ही करेंगे। बाकियों के हुए हैं गेंद आगे पीछे, अर्शदीप का बहुत ज्यादा हो रहा था। अर्शदीप का ना जिसे कहते हैं कि अगर बाकियों का 5 हो रहा था ना तो अर्शदीप का समझे 10-12% हो रहा था। हमें ना बताएं, सच्ची बात जो इंजीनियर सच का है कि हमें पता है क्या होता है क्योंकि हम इन्वेंटर हैं इस चीज के। ठीक है, तो आपको आपको ड्राई कंडीशन से कभी बॉल रिवर्स स्विंग नहीं होएगा, हाँ जितनी देर आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। रोहित के जबरदस्त रिप्लाई के बाद इंजमाम आलू हक अब बिल्कुल ही बौखला गया है और पागल बन चुका है। वो अब ये बोल रहा है कि रोहित हमें ना बताए कि रिवर्स स्विंग कैसे होता है, हमने तो रिवर्स स्विंग शुरू की थी, तो रोहित अपने बाप को मत सिखाना चाहिए, इस तरीके का इसका स्टेटमेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि एक नेशनल टीवी में बैठकर इस तरीके की घटिया बयान जब ये इंजमाम दे रहा है तो इसको अब रेस्पेक्ट नहीं, इसको गाली और जूतों के साथ इसका मतलब स्वागत करना चाहिए हर एक शो में। और जो भी इसको गाली दे रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि ये अब क्रिकेटर नहीं रहा, ये बिल्कुल ही कोई रोड साइड मदरसा का मौलवी बन चुका है। ये इसके दिमाग अब बिल्कुल ही काम करना बंद कर चुका है। जब रोहित शर्मा खुद ऐसा बोल चुके हैं भाई सबका स्विंग हो रहा है, फिर भी उसके ऊपर ये रिप्लाई देना तो कोई कौन सा बात बनता है। तो चलिए इन छप्पड़गंजों का बात सुन लेते हैं, फिर मैं इनके अच्छे से लेता हूं वीडियो के एंड पर। हमारे प्रोग्राम में सलीम भाई जो बातें हो रही है ना वो खिलाड़ियों तक भी पहुंच रही हैं। हम लोगों ने यहाँ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच के बाद एक बात की थी जिसमें इंजरा था कि रिवर्स स्विंग इतनी जल्दी तो होता नहीं है, तो 15वें ओवर में कैसे रिवर्स स्विंग हो रहा है, वो भी अर्शदीप सिंह कैसे कर पा रहे हैं। इसलिए कि जी दिमाग तो हम जरा जरूर अपना खोल लेंगे। सो अच्छा, पहली बात तो ये कि जी इसने ये कहा है कि जी हो रहा है, जो हमने कहा रिवर्स स्विंग इसका मतलब ये तो हो रहा है, ठीक है ना। रोहित शर्मा को हमें नहीं बताने की जरूरत पड़नी चाहिए कि रिवर्स स्विंग किस तरह होता है और कितनी धूम में होता है, किस पिच पे होता है, जहाँ से शुरू हुआ है जी, जहाँ से शुरू हुआ। जो सिखाने वाले ना उनको नहीं ये चीज सिखाया करते, उनसे कहोगे जी इस तरह की बातें अच्छी नहीं है। सो मैंने वैसे जो जिसने ये सवाल किया था कि जी बॉल से छेड़छाड़ कर रहे, नहीं मैंने ये नहीं कहा था, वो उसने गलत सवाल पूछ लिया। मैंने अंपायर को सजेशन दी थी कि आंखें खुली रखें, क्योंकि जी जो इन सब 15 ओवर में रिवर्स स्विंग हो रहे हैं ना, तो आंखें खुली रखें। और अब भी मेरा अंपायर को यही मशवरा है कि जी आंखें खुली रखें, क्योंकि जी क्या हो रहा है ये। तो वो जैसे अंपायर आंखें खुली रखेंगे ना, तो और साथ अंपायर भी अगर अपना दिमाग खुला कर ले ना तो बहुत बेहतर हो जाएगी बात। आंखें भी खुली रखें और दिमाग भी खुला रखें, उन तो सिर्फ दिमाग का कहना, मैं अंपायर से कह रहा हूँ कि अंपायर अपनी आंखें भी खुली रखें और दिमाग उनका खुद ब खुद खुल जाएगा जिससे उनकी आंखें खुलेगी। सलीम भाई, रोहित शर्मा की जो एक्सप्लेनेशन है कंडीशंस को लेके, वेदर को लेके, इंजी भाई ने तो कहा हमें मत सिखाएं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोहित शर्मा को एक चीज रियलाइज करनी चाहिए कि कभी भी बॉल जितनी मर्जी बुरी कंडीशन हो रिवर्स स्विंग नहीं हो सकता जब तक उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए, ठीक है। ये गलती हमारी है कि हमारे लोगों ने जाके वहाँ उनको सिखाया है, ब्लेम तो हमें उनको करना चाहिए। बहरहाल ये उसको सोचना चाहिए कि बॉल जितनी मर्जी धूप निकली हो और जितना मर्जी कंडीशन हो, जब तक आप एक साइड से बॉल को जो रफ वाली साइड को नहीं छेड़ेंगे, उसको जिसको हम पंजाबी में कहते हैं बनाओगे नहीं, वो नहीं कब हो सकता, आप जो मर्जी कर लें। तो ये दिमाग खोलने की, या वो इंजी ने तो ये बात की ही नहीं थी, इनको तो कहा ही नहीं था कि आपने ये किया, उन्होंने तो एम्पायर को सिर्फ कहा था। तो बात ये है कि ये हमें ना बताएं, सच्ची बात जो इंजीनियर सच का है कि हमें पता है क्या होता है
क्योंकि हम इन्वेंटर हैं इस चीज के। ठीक है, तो आपको आपको ड्राई कंडीशन से कभी बॉल रिवर्स स्विंग नहीं होएगा, हाँ जितनी देर आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो ये बात तो ये है, छेड़छाड़ हुई है तो रिवर्स स्विंग क्यों हुआ ना आपको? आप भी तो इतनी देर से बहुत बहुत बड़े नाम वाले प्लेयर आपके गुजरे हैं, उनसे तो रिवर्स स्विंग नहीं होती थी, वो तो इससे बुरी कंडीशन में है क्योंकि सारी जिंदगी तो आप स्पिनर्स के साथ। अच्छा सरीम भाई, जितना मर्जी बॉल पुराना हो जाए वो छेड़छाड़ के बगैर नहीं हो सकता रिवर्स स्विंग, एक एवरेज रख लें हम कि इतने ओवर्स के बाद हो जाएगा। तो फिर मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि सारी जिंदगी स्पिनर्स के साथ खेले हैं जी। तो उनको तो मारी जेड भाई वगैरह ने इतनी मारी थी, उसके बाद तो फिर रिवर्स स्विंग ऐसे फेंकने भी होना चाहिए था, कंडीशन इतनी खराब। बात ये है कि जितनी देर आप एक साइड को ठीक है बनाएंगे नहीं बॉल को, बॉल रिवर्स स्विंग नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो रोहित शर्मा का कहना था कि जी ये ड्राई कंडीशन थी जिसपे सिर्फ हमारी स्विंग नहीं होती और भी लोगों की होती है बॉल स्विंग, और थोड़ा सा सोच समझ के दिमाग खोल के बोला करें। तो अगर वाकई में ये सिचुएशन थी कि ड्राई सिचुएशन पे जो है बॉल स्विंग होती है, तो नसीब भाई बोलना चाहिए था हमारे वालों को। अब वो एक इतना छोटा बच्चा है रोहित शर्मा, वो ये बात अगर कर रहा है तो सोच समझ के या तो बोलना था। ड्राई पिच के ऊपर रिवर्स स्विंग ज्यादा बेहतर होती है, इसमें कोई शुबा नहीं। वो कह रहे हैं और सबकी हो रही थी, सिर्फ हमारी थोड़ी हो रही थी। नहीं, इनकी बॉल ज्यादा हुई थी भाई। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, उस जगह पे अगर देखें तो वो बॉल थोड़ा सा ज्यादा स्विंग जरूर हुआ था, और बॉल टेम्परिंग बॉल खराब किए बगैर नहीं होती, आप जरा देखिएगा। अब जब भी बॉलर गेंद देता है जमीन पे मार के देता है, कोई भी फील्डर गेंद फेंकेगा चाहे कीपर के पास दे रहा है बॉलर के पास दे रहा है, जमीन पे मार के दे रहा है। जिनको ये आर्ट आता है ना, उन्हें पता होता है कि वो किस तरीके से इस आर्ट को पूरा करते हैं। बहुत सारे लोग अंदाजा ही नहीं होता कैसे बॉल टैंपरिंग कर गए। जरूर तो लगता है कुछ किया था या फिर इंजमाम भाई ने सलीम अली के कहने पे बोल दिया। देखिए मैं तो इस बात का कायल हूं कि आर्ट बदल गया होगा, लेकिन हर बॉलर बॉल टैंपरिंग करता है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ हर आदमी का अपना एक आर्ट है, और उस आर्ट का तरीकेकार जो है वो खुद भी जाते भाई वैजलीन लगा के आ जाते थे, पता ही नहीं चलता था वैजलीन कहाँ पर है हाथ के अंदर, उन्होंने स्टीम के अंदर लगाई हुई है। अब ऐसे ऐसे उसने ये करते करते ऐसे निकाली थोड़ी सी बॉल पे लगाई, बॉल को आपने शाइन कर लिया जो अपने हिसाब से आप करना चाह रहे थे। तो बहुत सारे टोटके मौजूद हैं। तो मैं आज भी अपनी जो मैं मेरी समझ में जो बात आती है, आप चाहे कितने कैमरे लगा ले तो हो सकता है वो जो खुरचने वाला स्टाइल होता था वो डिबरियां चल जाती थी बॉल के ऊपर जो सुनते हैं वो नहीं हो सकता, लेकिन अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते होंगे। एडजस्ट कर लेते होंगे जी। तो जाहिर है रोहित शर्मा तो अपनी टीम को डिफेंड ही करेंगे। इस पर इंजमामुल हक का रिप्लाई भी आ गया है, बल्कि इंजमामुल हक के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलीम मलिक जो दो इकट्ठे बैठे हुए टीवी चैनल्स में, और वो चैनल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब का चैनल है जहां पर बैठ के वो दोनों क्रिकेट ट्रांसमिशन कर रहे हैं। इंजमाम ने बोला कि मुझे दिमाग खोलने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली जो अंपायर खड़ा है उसको आंखें खोलने की जरूरत है, अगर वो आंखें खोलेगा तो उसका दिमाग खुल जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। फिर उन्होंने बोला कि हमने यानी पाकिस्तान जो क्रिकेटर्स है साबिक उन्होंने रिवर्स स्विंग इजाद किया, तो हमें मत सिखाइए कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है, हमें पता है कैसे होती है। निकली गई सलीम मलिक ने क्या कहा, उन्होंने बोला कि इंडिया के तो फास्ट बॉलर हुआ ही नहीं करते थे, उनको तो स्पिनर्स हुआ करते थे जब हमारे साथ वो खेलते थे, और जब वो हमारे साथ खेलते थे हम इतना बुरी तरह से पटाई होती थी बॉल की, उस वक्त तो रिवर्स स्विंग नहीं होता था, अब रिवर्स स्विंग कैसे होता है। उन्होंने बोला कि रिवर्स स्विंग तभी होता है जब बॉल के साथ छेड़खानी की जाए। ये छेड़खानी का लफ्ज सलीम मलिक ने यूज किया, ये खत्म होना चाहिए। ऑफ कोर्स मेरी नजर में कोई नेगेटिव बात शायद नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बेहतर है। इंजमाम भाई, इंजी भाई रोहित के जवाब के ऊपर ये कहते हैं कि यार हमें मत सिखाओ, मतलब हम वो हैं जिन्होंने रिवर्स स्विंग इजाद की है, तो तुम जिसे कहते हैं उस्ताद को तो ये मत बताओ ना कि कर रहे हो स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट, इसका उस्ताद को नहीं पता, मतलब तेरा इन शॉर्ट बाप को पेलना मत सिखाओ। प्लस इंजी ने ये कहा कि मैंने रोहित को डायरेक्ट कोई बात नहीं की, मैंने किसी और को डायरेक्ट कोई बात नहीं की, मैंने बात की है अंपायर्स को कि वो अपना जो है ना जरा नजरे शजरे खुली रखे, मतलब ध्यान शान देते रहे एंड ऑल दैट, और क्या उसको कहते हैं दिमाग उनके खुले रखें। तो इंजी ने बेसिकली रोहित को ये जवाब दिया कि आपसे तो बात ही नहीं की, तो भैया आप किधर, बाकियों के हुए हैं गेंद आगे पीछे, अर्शदीप का बहुत ज़्यादा हो रहा था, अर्शदीप का ना जिसे कहते हैं कि अगर बाकियों का 5 हो रहा था ना तो अर्शदीप का समझे 10 या 12% हो रहा था। अब उसमें ना आप ये नहीं इम्प्लाई कर सकते कि अर्शदीप ने कुछ गेंद के साथ ये ही होगा, इसमें बॉलिंग एक्शन भी बड़ा मैटर करता है रिवर्स स्विंग में। अगर आप ओवरऑल भी पूरे टूर्नामेंट में देखें तो अर्शदीप ने बॉल को ना जो स्विंग है ना वो ठीक ठाक की है, बाकियों ने स्विंग इतना ज़्यादा नहीं किया, मतलब लेंथ बॉल से सीम मूवमेंट जनरेट करना वो और चीज़ है, अर्शदीप ने बेसिकली बॉल को स्विंग ठीक ठाक किया है, और वो उसका ऑब्वियसली नेचुरल बॉलिंग एक्शन और वो सारे उसके मामला टेक्निकल चीज़ें। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इस मुद्दे को ना यहीं पर गाड़ देना चाहिए, इस पर बिला वजह में और लैदा करने का कोई फायदा नहीं, अंपायर्स ने कोई ऐसी चीज नोट नहीं की। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे बेसरमो की तरह फिर से
फिर से वही बात करने लगा इंजमाम उलग कि अंपायर को अभी आँख खुला रखना चाहिए और आँख के साथ साथ दिमाग खुला रखना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा ने तो बोल दिया ना कि दिमाग खुला रखना चाहिए, इसलिए इसके पिछवाड़े में आग लग गई है। तो भाई अगर सच बोल रहे हैं रोहित शर्मा ने, भाई सभी का स्विंग हो रहा है और एक पिच में दो बॉलर आकर बॉलिंग करेंगे तो एक एक्सरसाइज बॉलिंग होगा, वो बॉलिंग एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो बॉलर आउट कर पाता है या स्विंग कर पाता है या नहीं कर पाता है, पिच तो समान है ना। तो इस तरीके की बात करना और जो बॉल टेम्परिंग के ऊपर सभी बात कर चुके हैं, भाई अभी हाल फिलहाल में बॉल टेम्परिंग करना एक बहुत नामुमकिन बात हो गया है, क्योंकि जितने कैमरा लगते हैं नहीं कर पाएंगे। उसके बावजूद तुम बोल रहे हो कि भाई अंपायर को आंखें खुला रखना चाहिए, भाई अंपायर का तो दो आंखें लेकिन कैमरा का 70-80 कैमरा वहां पर लगता है, उनके कितने आंखें हैं। तो भाई तुम अगर ज्यादा से ज्यादा मद्रासा छोड़कर वहां क्रिकेट ज्यादा क्रिकेट से ज्यादा ध्यान दोगे, सिर्फ वॉकआउट में टाइम आकर बैठ के नाम याद देखोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। ये तो सीजनल तुम आकर एंकरिंग कर रहे हो, जो डिबेट में बैठ रहे हो उसमें क्या हो जाएगा, पूरा ईयर तुम क्रिकेट देखो ना, मद्रासा में तुम वहां पर कोई एजुकेट करोगे, धर्म का एजुकेशन करोगे, यहां पर आकर क्रिकेट का ध्यान दोगे, भाई ऐसा मत करो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके साथ कर सके, और इंजमाम को जरूर कमेंट सेक्शन में पे लिए। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।